हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन 95 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 9.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां पर पीछे के एक हफ्ते में इस स्टॉक में 5.5% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है और एक महीने में इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 9% की गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया, 24 रुपये 80 पैसे। 24 रुपये 80 पैसे इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बना। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक बड़ा दबाव देखने को मिलाएगा और इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है अराउंड 9 रुपये 80 पैसे। 9 रुपये 80 पैसे इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक में एक रिवर्सल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलाएगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो अराउंड 9 रुपये 80 पैसे की एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 12 रुपये तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हो तो अराउंड 7 10 रुपये 40 पैसे के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 11 रुपये 10 पैसे के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।